हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आज की फिल्म थोड़ी हटके होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 2009 में रिलीज हुई हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म अगोरा के बारे में। ये एक बायोपिक थी जो चौथी सदी में रोमन राज्य के पतन और क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की कहानी बयां करती है। इसके साथ ही साथ ये उस सदी की महान मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और फिलोसफर हाइपेशिया के जीवन और उसकी उपलब्धियां भी दर्शाती है। न जाने ऐसे कितने फिलोसफर और कितने महान लोग इतिहास के पन्नों में खोकर रह गए जिनका इतिहास से नाम तक मिटा दिया गया। मैंने ऐसी एक और मूवी इमिटेशन गेम भी एक्सप्लेन की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 391 एडी के आसपास इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया नामक एक जगह पर रोमन्स रूल किया करते थे। तब वहां एक फिलोसोफर हाइपेशिया एक स्कूल में पढ़ाती थी जिसने अपना पूरा जीवन साइंस के नाम कर दिया था और ये डिस्कवरी में लगा दिया था कि पृथ्वी सूर्य के किस और चक्कर लगाती है, पर उसकी सब डिस्कवरीज उसी जमीन में दफन हो जाती हैं क्योंकि उस वक्त अलेक्जेंड्रिया में दो रिलीजन्स मौजूद थे। एक होते हैं पैगन्स जो ज्यूस को मानते थे और दूसरे होते हैं क्रिश्चियंस जो जीसस को मानते थे, और इन दोनों की लड़ाई में हाइपेशिया बलि का बकरा बन जाती है। अब बात करते हैं मूवी की, तो अगोरा का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां प्राचीन ग्रीस में कुछ लोग इकट्ठे होकर पॉलिटिकल डिसीजंस लिया करते थे, उस जगह को अगोरा कहा जाता था। वैसे ही रोमन्स उस जगह को फोरम कहते थे। मूवी शुरू करने से पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के नाम समझ लो। इसका नाम है हाइपेशिया जो साइंस टीचर और अलेक्जेंड्रिया के म्यूजियम के डायरेक्टर थियोन की बेटी होती है। ये है डेवस जो हाइपेशिया का गुलाम होता है। ये मन ही मन हाइपेशिया को चाहता है और उसके हर एक लेक्चर को बड़े गौर से सुनता है। इनके अलावा यहाँ दो और कैरेक्टर होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट होते हैं। एक होता है ओरिस्टिस जो एक पैगन होता है और दूसरा साइनेसियस जो एक क्रिश्चियन होता है। अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हाइपेशिया एक प्लेटोनिक स्कूल में साइंस पढ़ाती है। उस वक्त वहाँ फ्यूचर लीडर्स ही पढ़ा करते थे जिसमें पैगन्स और क्रिश्चियंस इकट्ठे पढ़ते थे। अब यहाँ हाइपेशिया क्लास से ये पूछती है कि किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकने से वो एक ही जगह पर क्यों गिरता है, वो कौन सी शक्ति या ताकत है जो ऐसा करती है। एक्चुअली वो ग्रेविटी की बात कर रही होती है, पर उस काल में तब ग्रेविटी की खोज नहीं की गई थी, तो सब इसका अलग अलग आंसर देते हैं पर कोई इसका सही आंसर नहीं दे पाता। खैर, यहाँ हम देखते हैं पैगन्स की एक पवित्र जगह होती है लाइब्रेरी ऑफ सेरापियम, जहाँ अलग अलग भगवान की मूर्तियां होती हैं जिन्हें वो वर्शिप किया करते थे और सब हिस्टोरिकल बुक्स और लिटरेचर वो वहीं रखा करते थे। हाइपेशिया का पिता थियोन इस म्यूजियम का डायरेक्टर होता है और जो बड़े फैसले लिए जाते हैं वो इसी की सहमति से लिए जाते थे। हाइपेशिया का स्टूडेंट ओरिस्टिस भी उसे चाहता था और क्लास के बाद वो उसे प्रपोज कर देता है, पर हाइपेशिया उसका जवाब नहीं देती। दूसरी ओर एक क्रिश्चियन अमोनियस चौराहे पे खड़ा होकर पैगन्स के भगवान को चुनौती देता है कि तुम्हारा कोई भगवान नहीं है, तुम बस मूर्तियों की पूजा करते रहते हो वगैरह वगैरह। पैगन्स का एक प्रीस्ट उनका जवाब देता है और दोनों में बहस छिड़ जाती है और वो एक दूसरे के भगवान को अनाप शनाप कहने लगते हैं। इसी दौरान अमोनियस उस प्रीस्ट को चुनौती देता है और कहता है कि अगर मेरा भगवान मेरे साथ है तो वो मुझे इस आग से बचाएगा और मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो जलती हुई आग में कूद जाता है और वाकई में उसे कुछ नहीं होता। क्रिश्चियन लोग ये देखकर उस पैगन प्रीस्ट को भी आग में झोंक देते हैं, पर वो पैगन जलने लगता है जिससे उसके दो साथी आकर उसे आग से निकालते हैं और उसकी आग बुझाते हैं। इस सीन के थ्रू हमें ये दिखाया जाता है कि पैगन्स और क्रिश्चियन के बीच ऐसी छोटी मोटी कोल्ड वॉर चलती रहती थी। अब उसी दिन थियोन को अपने घर में एक क्रॉस मिलता है, तो वो अपने गुलामों को पूछता है कि ये किसका है। वो एक गुलाम लड़की का होता है जिसे देखकर वो रोने लगती है। उसे बचाने के लिए डेवस वो इल्जाम अपने सर ले लेता है। अब चूंकि थियोन को क्रिश्चियंस पसंद नहीं होते तो वो उनकी सजा उसको कोड़े मार कर देता है। हाइपेशिया अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है पर वो असफल रहती है। अब रात को हाइपेशिया डेवस के कमरे में जाती है और उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। तभी उसकी नजर वहां रखे टॉलमिक पे जाती है जो डेवस ने उसकी क्लास से सुनते बनाया था। उसे बड़ी हैरानी होती है कि उसके किसी स्टूडेंट ने नहीं बल्कि उसके एक गुलाम ने वो बनाया था। तो अगले दिन वो उसे अपनी क्लास में डेमोंस्ट्रेट करने को कहती है। दरअसल टॉलमिक सिस्टम के अनुसार अर्थ को सेंटर में माना जाता था, ना कि सन को, और उसी के अनुसार ये लोग पृथ्वी को ही उसका सेंटर समझते थे। और अब तक वो 5 प्लैनेट्स को ही डिस्कवर कर पाए थे जिन्हें वो द वॉन्डरर्स कहते थे, जिनमें मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न मौजूद थे। देखते ही देखते साइंस क्लास यहाँ रिलीजन में कन्वर्ट हो जाती है जब ओरिस्टिस और साइनेसिस आपस में भिड़ जाते हैं, पर हाइपेशिया उनको शांत करवाती है और कहती है कि वी आर ब्रदर्स, हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं।
अब एक दिन अमोनियस चर्च के बाहर खड़े होकर लोगों को जीसस की टीचिंग्स के बारे में बता रहा होता है कि तभी डेवस वहां से गुजरता है, जिसे अमोनियस आवाज देकर अंदर बुलाता है। अंदर आकर डेवस देखता है कि एक बिशप बाइबल पढ़ रहा होता है और सब लोग बड़े ध्यान से उसे सुन रहे होते हैं। अमोनियस उसे भी भगवान से जुड़ने का रास्ता बताता है और कहता है कि भूखे लोगों की सेवा करो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। और डेवस अपने साथ लाया हुआ खाना अमोनियस के कहने पर वहां भूखे लोगों में बांट देता है, जिससे वो लोग डेवस को ब्लेसिंग्स देते हैं। डेवस को काफी अच्छा लगता है। एक दिन ओरिस्टस एक प्ले के दौरान सबके सामने हाइपेशियो को प्रपोज कर देता है और कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार अपनी म्यूजिक से है, पर उससे भी ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। तो इतना कहकर वो अपना इंस्ट्रूमेंट उसके हाथों में दे देता है। तो फिलहाल तो दिल रखने के लिए हाइपेशिया उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। डेवस भी वहां ये सब कुछ देख रहा होता है और रात को वो भगवान से प्रे करता है कि प्लीज भगवान वो किसी की ना हो। अब दूसरे दिन हाइपेशिया क्लास के दौरान अपने पीरियड साइकिल का कपड़ा लेकर ओरिस्टिस को देती है, जिसका मतलब वो उसके प्यार को ठुकरा देती है। ओरिस्टिस को काफी गुस्सा आता है और वो कपड़ा वहीं फेंक कर क्लास से बाहर चला जाता है कि तभी एक आदमी वहां आकर बाहर मीटिंग में जाने को कहता है। बाहर पैगन्स का एक प्रीस्ट अपने लोगों से कह रहा होता है कि क्रिश्चियंस इनके गॉड को इंसल्ट कर रहे हैं और उन्हें उसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। मतलब एक तरह से वो सबको लड़ाई के लिए आमंत्रित कर रहा था। पर हाइपेशिया उसका मोटिव समझ जाती है और सबको न जाने के लिए कहती है। पर वहीं उसका पिता और म्यूजियम का डायरेक्टर थियोन भी होता है, जो हमला करने के लिए कह देता है। अब सब पैगन्स के सर पे भूत सवार हो जाता है और सब अपने हाथों में हथियार लेकर क्रिश्चियंस को मारने चल पड़ते हैं। यहाँ काफी मासूम लोग भी मारे जाते हैं। इसी बीच थियोन का एक गुलाम, जो एक क्रिश्चियन होता है, वो थियोन को जख्मी कर देता है, लेकिन बाद में उस गुलाम को मार दिया जाता है। पर इस लड़ाई में क्रिश्चियंस की तादाद पैगन से ज्यादा होती है और वो पैगन्स पे भारी पड़ जाते हैं। तो पैगन्स अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट जाते हैं और लाइब्रेरी में जाकर छुप जाते हैं। मतलब इस दौर में क्रिश्चियंस बहुत तेजी से ग्रो करने लगते हैं। तो अलेक्जेंड्रिया पूरी तरह से दो गुटों में बट जाता है, पैगन्स और क्रिश्चियंस। तो चूंकि डेवस क्रिश्चियन होता है तो वो लाइब्रेरी से बाहर जाना चाहता है, पर हाइपेशिया उसे वहीं रुकने को कहती है। अब रात को सेनेसिस भी अपने कुछ दोस्तों को लेकर अलेक्जेंड्रिया से बाहर चला जाता है, क्योंकि वो भी एक क्रिश्चियन होता है। डेवस उसे जाता हुआ देखता है पर वो चुप ही रह जाता है। अब जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो पैगन्स के पास खाने पीने की सामग्री बहुत कम रह जाती है, जो चिंता का विषय थी। माहौल काफी टेंस हो जाता है, क्योंकि ना कोई लाइब्रेरी से बाहर जा सकता था और ना ही कोई अंदर आ सकता था। खैर, पैगन्स अपनी सेफ्टी के लिए तीन क्रिश्चियंस को बंदी बनाकर रख लेते हैं। अब रात को हाइपेशिया सोलर सिस्टम को लेकर डिस्कस करने लगती है कि आखिर वो क्या वजह है कि ऊपर फेंका हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता है, पर ये सितारे कभी नीचे नहीं गिरते। तो यहाँ वो एंशियंट एस्ट्रोलॉजर और मैथमेटिशियन अरिस्टार्कस के हेलियोसेंट्रिक मॉडल के ऊपर बात करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग सूर्य सभी ग्रहों के सेंटर में होता है और सब ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, और ये सच भी है। खैर, कुछ दिनों बाद ये लड़ाई तब खत्म हो जाती है जब रोमन एम्पायर का एक प्रीफेक्ट, जिसे हम आसान भाषा में सेनापति भी कह सकते हैं, वो ये ऐलान करता है कि पैगन्स को माफ कर दिया गया है। पर चूंकि इस लड़ाई में पैगन्स ने पहल की थी, तो दंड स्वरूप उन्हें ये लाइब्रेरी छोड़नी होगी और उनका इस पे कोई हक नहीं होगा। तो सब क्रिश्चियंस में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये सुनकर हाइपेशिया और उसके कुछ लोग लाइब्रेरी में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने लगते हैं, और उनमें से कुछ लोग दरवाजे से क्रिश्चियंस को अंदर आने से रोकते हैं, पर वो ज्यादा देर दरवाजे को रोक नहीं पाते और क्रिश्चियन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और सब जगह तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, और पैगन्स अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। उसी में डेवस हाइपेशिया के साथ चलता हुआ अपने कदम पीछे हटा लेता है और वापस लाइब्रेरी की तरफ मुड़ जाता है। ये देखकर हाइपेशिया उसे वापस बुलाती है, पर डेवस आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ सब लोग लाइब्रेरी में स्टैचूज को तोड़ने लगते हैं। उन्हीं के साथ अपनी क्रिश्चियनिटी का सबूत देते हुए डेवस भी स्टैचूज को तोड़ता है, पर अंदर ही अंदर उसे इस बात की गिल्ट होती है कि शायद वो सही कर रहा है या गलत। हाइपेशिया को पता चलता है कि अब उसके पिता नहीं रहे, क्योंकि लड़ाई में चोट ज्यादा लगने के कारण उनकी मौत हो जाती है। उसी रात डेवस हाइपेशिया के पास आता है और उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है, पर देखते ही देखते वो रोने लगता है और अपनी तलवार उसके हाथों में दे देता है और अपना सर उसके आगे कर देता है। पर हाइपेशिया उसे मारने के बजाय उसके गले में जो स्लेव का कॉलर होता है उसे उतार देती है और उसे कहती है कि अब तुम आजाद हो। डेवस वहां से चला जाता है और क्रिश्चियंस में जाकर मिल जाता है। उसके अगले दिन एक क्रिश्चियन प्रीस्ट अलेक्जेंड्रिया में ये ऐलान करता है कि कोई भी आज के बाद पैगन्स के सिंबल को नहीं पूजेगा, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब कुछ साल आगे निकलते हैं तो हम देखते हैं एक क्रिश्चियंस का लीडर की मौत हो जाती है और एक सिरिल नाम का बंदा उनका लीडर बन जाता है।
अब ऐसे ही एक दिन पैगन से एक थिएटर में किसी प्ले को देख रहे होते हैं कि कुछ क्रिश्चियंस जिनमें डेविस भी होता है वो उनपे पत्थर बरसाने लगते हैं, जिनमें काफी पैगन्स जख्मी हो जाते हैं। तो वो अपनी फरियाद लेकर ओरेस्टिस के पास जाते हैं, जो अब अलेक्जेंड्रिया का प्रीफेक्ट होता है, जो अब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुका था। पर ओरेस्टिस कोई न्याय नहीं कर पाता और उल्टा क्रिश्चियंस की ही तरफदारी करने लगता है। पैगन्स निराश होकर लौट जाते हैं। अब एक दिन हाइपेशिया और ओरेस्टिस किसी बोट में सैर पर जा रहे होते हैं कि हाइपेशिया अर्थ के मूवमेंट को समझने के लिए इसी बोट में एक एक्सपेरिमेंट करने लगती है। वो अपने एक गुलाम को बोरी लेकर बोट के ऊपर चढ़ने को कहती है और वहां से उसे नीचे फेंकने को कहती है। यहाँ हाइपेशिया का ये मानना होता है कि चलती बोट में ये बोरी कुछ पीछे की तरफ गिरनी चाहिए, ना कि एग्जैक्ट पॉइंट पर होता इसे उलट है, वो उसी पॉइंट पर गिरती है जहाँ उसे फेंका जाता है। ये देखकर हाइपेशिया को कुछ भी समझ नहीं आता, पर उसे इतनी बात समझ आ जाती है कि यही प्रिंसिपल हमारी पृथ्वी पर भी लागू होता है और इसी के चलते पृथ्वी घूमने के बावजूद चीजें अपनी जगह से नहीं हिलती। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस दौर में लॉ ऑफ मोशन को भी डिस्कवर नहीं किया गया था। खैर, अब रात को लाइब्रेरी में कुछ क्रिश्चियंस इसी विषय पर बात कर रहे होते हैं, जिनमें कुछ क्रिश्चियंस कहते हैं कि धरती गोल है और कुछ कहते हैं कि धरती फ्लैट है। अब कुछ निष्कर्ष ना निकलते देख वो पास बैठे डेवस से पूछते हैं, पर डेवस कहता है कि भगवान सब जानता है। उधर हाइपेशिया के मन में एक सवाल उठने लगता है कि हमारी पृथ्वी पे कभी समर और कभी विंटर क्यों होता है। तो उसका गुलाम उससे कहता है कि शायद इन दिनों सूरज कभी बड़ा कभी छोटा होता होगा, इसीलिए शायद क्लाइमेट चेंज होता है। तो हाइपेशिया को अचानक से हेलियोसेंट्रिक मॉडल याद आता है और वो सोचती है कि बाकी सब प्लैनेट्स की तरह धरती भी सूर्य के सर्कल शेप में घूमती रहती है। हालांकि ऐसा नहीं है और ये चीजें हाइपेशिया को कंफ्यूज करने लगती हैं। वो इस विषय पे बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये पैगन्स होते हैं जो जाल बिछाकर क्रिश्चियंस पे हमला करते हैं और इस हमले में काफी क्रिश्चियंस मारे जाते हैं। दूसरे दिन सिरिल सब लोगों को इकट्ठा करता है और पैगन से बदला लेने के लिए कहता है। सब लोग पैगन्स पे हमला बोल देते हैं, जिनमें वो औरतों और बूढ़ों को भी नहीं छोड़ते। चारों तरफ कत्लेआम मच जाता है। हाइपेशिया ये बात आकर ओरेस्टिस को बताती है और उसे सिरिल को गिरफ्तार करने को कहती है, पर ओरेस्टिस कहता है कि ये इतना आसान नहीं होगा और वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ साइनेसिस हाइपेशिया से मिलने आता है, जो अब सिरीन का बिशप बन चुका था, जिसे हाइपेशिया अपनी लाइब्रेरी दिखाती है। इसी वक्त ओरेस्टिस वहां आता है और साइनेसिस से मिलता है। उधर लाशों को जलाते वक्त डेवस अमोनियस से पूछता है कि क्या बेकसूर लोगों को मारना गलत नहीं है, पर अमोनियस कहता है कि जो भी तुमने किया वो भगवान की ही इच्छा थी और वो ही हमसे ये काम करवाता है। मतलब ऐसे लोगों की आंखों पर धर्म की पट्टी बंधी रहती है और क्या गलत है क्या सही है वो कभी जान ही नहीं पाते। अब यहाँ एक बहस के दौरान पैगन्स कहते हैं कि हम भी लाइब्रेरी में आना चाहते हैं, तो एक क्रिश्चियन कहता है कि तुम लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ, उसके बाद ही तुम्हें लाइब्रेरी में आने की इजाजत होगी। पर हाइपेशिया इस बात का विरोध करती है। उधर सिरिल भरी सभा में औरत को कैसे समाज में रहना चाहिए वो लाइन पढ़कर सुना रहा होता है और इनडायरेक्टली ओरेस्टिस को कहता है कि तुम एक औरत हाइपेशिया के गुलाम हो और वो औरत एक विच है और ऐसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये सुनकर ओरेस्टिस की आंख में आंसू आ जाते हैं, पर वो कुछ कर नहीं पाता। फिर सिरिल सबको बाइबल के आगे घुटने टेकने को कहता है। सब लोग झुक जाते हैं सिवाय ओरेस्टिस के, क्योंकि सिरिल ने हाइपेशिया को बुरा भला कहा था, तो ओरेस्टिस वहां से जाने लगता है। तो सब क्रिश्चियंस उसे झूठा क्रिश्चियन बताते हैं और अमोनियस एक पत्थर लेकर ओरेस्टिस के सर पे दे मारता है, जिससे उसका काफी खून बहने लगता है। पर बाद में अमोनियस को इसके लिए मार दिया जाता है और हाइपेशिया को घर से बाहर ना निकलने को एडवाइस किया जाता है। उधर साइनेसिस ओरेस्टिस को जाकर समझाता है कि हाइपेशिया और धर्म की लड़ाई में धर्म ही जीतेगा और इसीलिए तुम्हें सिरिल की बात मानकर बाइबल के सामने झुकना ही पड़ेगा। ये सुनकर ओरेस्टिस रोने लगता है और साइनेसिस के सामने घुटने टेक देता है। अब चूंकि अमोनियस की मौत हुई है तो सिरिल उसका बदला लेना चाहता है, तो वो हाइपेशिया पर अनगॉडलीनेस और विचक्राफ्ट के चार्जेस लगाता है और उसे मरवाने के लिए और लोगों की सहानुभूति पाने के लिए वो अमोनियस को शहीद घोषित कर देता है। यहाँ कुछ क्रिश्चियंस उसी के तहत एक प्लान बना रहे होते हैं, जिसे डेवस सुन लेता है। अब यहाँ फाइनली हाइपेशिया ये जान लेती है कि पृथ्वी हमेशा लिप्स शेप में ही घूमती रहती है, ना कि सर्कुलर शेप में, और इसी के चलते समर और विंटर बनते हैं, लेकिन फिर भी वो 100% श्योर नहीं होती। अब अगली सुबह साइनेसिस और ओरेस्टिस हाइपेशिया के पास आते हैं और उसे क्रिश्चियंस में कन्वर्ट होने के लिए कहते हैं। अगर वो ऐसा करती है तो उसकी जान बख्श देंगे, पर हाइपेशिया किसी भी कीमत पर अपना धर्म नहीं छोड़ती। उधर डेवस ये बात बताने हाइपेशिया के पास आता है, पर यहाँ से उसे पता चलता है कि हाइपेशिया प्रीफेक्ट के पैलेस में है। अब इससे पहले डेवस उससे मिल पाता बहुत देर हो जाती है और क्रिश्चियंस हाइपेशिया को पकड़ लेते हैं और लाइब्रेरी में ले जा रहे होते हैं।
वो उसे घसीटते और मारते हुए लाइब्रेरी में ले जाते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं। फिर वो चाकुओं से उसकी खाल निकालने का प्लान बनाते हैं, पर किसी के पास भी चाकू नहीं होता तो वो पत्थरों से उसे मारने का डिसाइड करते हैं और पत्थर लेने बाहर जाते हैं। इसी बीच डेवस उसके पास आता है और उसकी सांस रोककर उसे मार देता है, क्योंकि अगर वो उसे पत्थरों से मारते तो उसे ज्यादा दर्द होता। तो उस दर्द से छुटकारा देने के लिए डेवस उसे आसान मौत दे देता है। मरते वक्त हाइपेशिया का ध्यान लाइब्रेरी के छत पे जाता है, जिसमें एक एलिप्स शेप बना होता है, मतलब जिस सवाल का जवाब वो सारी उम्र ढूंढती रही वो उसी लाइब्रेरी में ही मौजूद था। डेवस उसे मारने के बाद सब क्रिश्चियंस को कहता है कि वो बेहोश हो चुकी है। सब लोग बड़ी बेरहमी से हाइपेशिया को पत्थर मारने लगते हैं और इसके बाद वो उसकी बॉडी को अलेक्जेंड्रिया की गलियों में घसीटते हैं और फिर जला देते हैं। उसके बाद सिरिल एक चर्च का डॉक्टर बन जाता है और एक संत कहलाता है, और इन दोनों की लड़ाई में हाइपेशिया का काम और उसकी उपलब्धियां भी उसी जमीन में दफन हो जाती हैं, और इस तरह से एक औरत का नाम इतिहास से मिट जाता है। फिर इसके 1200 साल बाद मतलब 17वीं शताब्दी में जोहानिस केपलर ये डिस्कवर करता है कि धरती एलिप्स शेप में घूमती है, और ऐसे ही कई और शेप्स वो दुनिया के सामने रखता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।